जय हिंद दोस्तों, अजाक ट्रैक्टर में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम सभी ट्रैक्टर्स का उसके कैटेगरी के हिसाब से काफी बेहतरीन कंपैरिजन करते हैं और आज हमने कंपैरिजन के लिए 50 एचपी कैटेगरी के काफी पॉपुलर और काफी जबरदस्त ट्रैक्टर लाए हुए हैं, जिसमें एक तरफ है न्यू हॉलैंड 5510 एक्सल और दूसरी तरफ महिंद्रा अर्जुन नोवा 605 DIMS और यह दोनों ही ट्रैक्टर 2-व्हील ड्राइव और 4-व्हील ड्राइव दोनों के साथ में अवेलेबल है। तो चलिए आगे वीडियो में देखते हैं कि इसमें से कौन सा ट्रैक्टर इस कंपैरिजन का विनर होता है। सबसे पहले न्यू हॉलैंड 5510 एक्सल के इंजन को देख लेते हैं। इसमें 2931 सीसी का 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिल जाता है और यह इनलाइन फ्यूल पंप के साथ में आएगा। इसके अलावा इसमें ड्राई टाइप का एयर फिल्टर दिया हुआ है और यह ट्रैक्टर 49.5 HP का पावर 2100 इंजन रेटेड RPM पर और लगभग 188 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है और यहाँ से आप इसके SFC को देख सकते हैं। और न्यू हॉलैंड के यह जो इंजन है, इसका जो लाइफ है 30,000-35,000 घंटे तक काफी आसानी से चल जाता है। और यही अर्जुन नोवा 605 MS को देख लेते हैं। इसमें 3192 सीसी का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिल जाएगा और इसमें भी इनलाइन फ्यूल पंप दिया हुआ है और इसमें भी ड्राई टाइप का फिल्टर मिल जाएगा। और महिंद्रा का जो इंजन ऑयल फिल्टर है वह ऑयल कूलर के साथ में आता है, मतलब इंजन ऑयल को भी कूलेंट के माध्यम से लगातार ठंडा किया जा रहा होता है। और अर्जुन नोवा 49.3 HP का पावर 2100 इंजन रेटेड RPM पर और लगभग 197 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर दोनों ही ट्रैक्टर का जो इंजन है जबरदस्त दिया हुआ है, लेकिन महिंद्रा का जो इंजन है वो 4 सिलेंडर होने की वजह से मुझे पर्सनली थोड़े ज्यादा पसंद आते हैं। और महिंद्रा अपने ट्रैक्टरों को लगभग बहुत से ट्रैक्टरों के मुकाबले अपने कैटेगरी में काफी अधिक पावरफुल बनाता है। जैसे यहीं पर ही आप देख सकते हैं सेम HP का ट्रैक्टर होने के बाद भी जो टॉर्क है महिंद्रा में थोड़ा सा आपको अधिक देखने को मिल जाएगा। और इन दोनों ट्रैक्टर में आप 11T के कल्टीवेटर को भी आसानी से चला पाएंगे, लेकिन महिंद्रा का यह जो इंजन है डीजल खपत के मामले में न्यू हॉलैंड से थोड़ा आगे निकल जाता है। खैर, दोनों ही ट्रैक्टर का जो इंजन है कैटेगरी वाइज काफी सही लगा, जिस वजह से यहाँ पर दोनों ही ट्रैक्टर्स को एक में से एक नंबर मिल जाएगा। और दोस्तों चलिए प्राइस का बात कर लेते हैं। ये रहा न्यू हॉलैंड 5510 का प्राइस और ये महिंद्रा अर्जुन नोवा 605 DIMS का। और ये जो प्राइस है यह थोड़े बहुत ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। और आपके एरिया में इन ट्रैक्टर्स का प्राइस अगर आपको पता हो तो आप हमें बता सकते हैं कि आपके यहाँ इन ट्रैक्टर्स का ऑन रोड प्राइस कितना पड़ता है, या आप में से किन्हीं किसान भाइयों ने इनमें से कोई सा भी ट्रैक्टर लिया हो तो कितने में आपने लिया है उसको हमें बता सकते हैं। और न्यू हॉलैंड का जो एक्सल सीरीज का प्राइस होता है यह अधिकतर आपको अन्य ट्रैक्टरों के मुकाबले अधिक देखने को ही मिलेगा, जिस वजह से प्राइस के मामले में न्यू हॉलैंड को एक में से आधे नंबर ही मिलेंगे और महिंद्रा को एक में से पूरे एक नंबर मिल जाएंगे। और दोस्तों ट्रैक्टर का जो लुक्स होता है वह उतना मायने तो नहीं रखता है, लेकिन हमेशा की तरह हम आपको इस वीडियो में भी यही पूछना चाहेंगे कि आपको इन दोनों ट्रैक्टर्स में से कौन से ट्रैक्टर का लुक ज्यादा पसंद आता है। चलिए 5510 एक्सल के PTO को देख लेते हैं। इसमें 46 HP का 6-स्प्लैंड PTO मिल जाएगा और 50 HP के ट्रैक्टर में 46 HP का PTO पावर देना काफी अच्छी बात है। और न्यू हॉलैंड का यह चीज काफी अच्छा लगता है कि इसके बहुत से ट्रैक्टरों में आपको HP कैटेगरी के हिसाब से काफी अधिक PTO HP देखने को मिल जाता है। और न्यू हॉलैंड का एक 65 HP का ट्रैक्टर है जिसमें आपको 64 HP का PTO पावर मिल जाता है। तो इस तरह से न्यू हॉलैंड अपने PTO में काफी अच्छा काम करता है। और यहीं अगर इसके PTO स्पीड को देखें तो इसमें 540 स्टैंडर्ड प्लस 540 इकोनॉमी और मल्टी स्पीड एवं रिवर्स PTO स्पीड मिल जाता है। इसके अलावा इसमें आपको ग्राउंड स्पीड PTO भी मिल जाता है। तो मतलब ट्रैक्टर इंडस्ट्री में जितने भी प्रकार के PTO स्पीड आता है उन सभी PTO स्पीड को न्यू हॉलैंड ने अपने इस ट्रैक्टर में दिया हुआ है। और यही सब जो चीज है जो कि न्यू हॉलैंड 5510 एक्सल को काफी खास बनाता है और इन सब वजह से भी न्यू हॉलैंड के जो प्राइस हैं थोड़े से हाई चले जाते हैं। और दोस्तों अगर आप में से किसी के पास भी न्यू हॉलैंड 5510 एक्सल हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने इन सभी प्रकार के PTO स्पीड का यूज करके देखा भी है या नहीं। और यही 605 DIMS के PTO को देखें तो इसमें 44.9 HP का 6-स्प्लैंड PTO मिल जाएगा जो कि 540 स्टैंडर्ड प्लस रिवर्स PTO स्पीड के साथ में आता है। तो यहाँ पर HP कैटेगरी के हिसाब से महिंद्रा में आपको PTO पावर भी कम देखने को मिलता है और जो PTO स्पीड है ये तो काफी कम दिया हुआ है। और न्यू हॉलैंड में इतने प्रकार के PTO स्पीड होने की वजह से आप इसमें PTO से चलने वाले किसी भी प्रकार के इम्प्लीमेंट को काफी आसानी से चला पाएंगे, जैसे कि पोस्ट होल डिगर को आप मल्टी स्पीड में यूज करके काफी अच्छे से उपयोग कर सकते हैं और जनरेटर, वाटर पंप और थ्रेसर, इन सभी को भी आप इसमें काफी आसानी से चला पाएंगे। तो यहाँ पर काफी अच्छा PTO होने की वजह से न्यू हॉलैंड को पूरे एक में से एक नंबर मिलते हैं और महिंद्रा को एक में से केवल आधे नंबर ही मिलेंगे। और दोस्तों अगर आप इसी प्रकार से ही किसी भी और ट्रैक्टर का कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो उन ट्रैक्टर्स का नाम हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उस पर जरूर से वीडियो बनाएंगे। और अगर आप किसी भी ट्रैक्टर का लाइव रिव्यू वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल इंडिया ट्रैक्टर टेक में जाकर देख सकते हैं और उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों जगह पर मिल जाएगा और वहां पर बहुत से ट्रैक्टरों का लाइव रिव्यू वीडियो बनाया जा चुका है।
तो इस वीडियो को देखने के बाद आप हमारे उस चैनल इंडिया ट्रैक्टर टेक को जरूर चेक करें। चलिए न्यू हॉलैंड के हाइड्रोलिक्स को देख लेते हैं। इसमें सेपरेट पंप देखने को मिल जाएगा और इसमें आपको दो प्रकार का लिफ्टिंग कैपेसिटी मिल जाता है, एक है 2000 kg और एक 2500 kg, और 2500 kg वाले में आपको बाहर में असिस्ट रैम लगा हुआ मिल जाता है और इसमें 2DC वॉल कंपनी फिटेड मिल जाता है और इसको ऑपरेट करने के लिए भी अलग से लीवर दिया हुआ है। और यही महिंद्रा में देखें तो इसमें भी सेपरेट पंप मिल जाएगा और इसका जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है यह 2200 kg का दिया हुआ है और इसमें भी आपको 2DC वॉल कंपनी फिटेड मिल जाता है, वो भी अलग से लीवर के साथ में। और महिंद्रा नोवो 605 MS में जो सेंसिंग पॉइंट है उसको भी अब चेंज कर दिया गया है और महिंद्रा का जो हाइड्रोलिक्स आर्म्स है इसके दोनों आर्म्स के लेंथ को आप अब एडजस्ट कर पाएंगे, तो यह काफी अच्छा बदलाव कंपनी ने किया हुआ है। तो यहाँ पर हाइड्रोलिक्स के मामले में तो दोनों ही ट्रैक्टर काफी अच्छे लगे हैं, जिस वजह से दोनों ही ट्रैक्टर्स को यहाँ एक में से एक नंबर मिल जाते हैं। और आपको बता दें कि महिंद्रा का यह ट्रैक्टर अब महालिफ्ट वाले हाइड्रोलिक के साथ में आएगा। और दोस्तों ट्रैक्टर में जितना ही महत्वपूर्ण उसका पावर और PTO हाइड्रोलिक्स ये सभी चीज होता है, उतना ही कंफर्ट लेवल भी मायने रखता है। और यहाँ पर न्यू हॉलैंड के स्टेयरिंग और कंफर्ट को देख लेते हैं। न्यू हॉलैंड में आपको सिंगल एक्टिंग पावर स्टेयरिंग मिल जाएगा और पावर स्टेयरिंग के लिए सेपरेट ऑयल टैंक दिया हुआ है, जिस वजह से स्टेयरिंग पंप का जो मेंटेनेंस है काफी कम लगता है और लंबे समय तक बहुत ही खूबसूरत तरीके से चलते हैं। और यही महिंद्रा में आपको डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग मिल जाएगा। मुझे तो पर्सनली डबल एक्टिंग वाले ट्रैक्टर्स ज्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि आप डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग वाले ट्रैक्टर को रोड पर उसके मैक्सिमम स्पीड पर भी काफी आसानी से चला सकते हैं और दोनों ही ट्रैक्टर में काफी आरामदायक सस्पेंडेड पेडल दिया हुआ है और दोनों ही ट्रैक्टर का जो प्लेटफॉर्म है बिल्कुल फ्लैट मिल जाएगा। न्यू हॉलैंड में आपको दो चीज एक्स्ट्रा देखने को मिल जाता है, एक है लिफ्टोमेटिक जो कि आपके कंफर्ट को और भी ज्यादा इन्हेंस कर देता है, और इस लिफ्टोमेटिक की मदद से आप अगर हल या कुछ भी इम्प्लीमेंट पीछे चला रहे हैं तो उसे एक गहराई पर सेट कर दें, उसके बाद आप उस इम्प्लीमेंट को इस लिफ्टोमेटिक की सहायता से कंट्रोल कर सकते हैं, तो आपको बार बार इन लीवर्स को छेड़ना नहीं पड़ेगा। और इसमें हीट गार्ड देखने को भी मिल जाता है जो कि आपको महिंद्रा में नहीं मिलता है। तो स्टीयरिंग और कंफर्ट के मामले में तो दोनों ही ट्रैक्टर काफी अच्छे हैं, लेकिन न्यू हॉलैंड 5510 जो है ये थोड़े से आपको और भी अधिक कंफर्टेबल लगेंगे। और महिंद्रा के जो ट्रैक्टर है इसमें 50 HP कैटेगरी के हिसाब से बहुत से ट्रैक्टरों के मुकाबले काफी अच्छा प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर न्यू हॉलैंड को स्टीयरिंग और कंफर्ट के लिए एक में से पूरे एक नंबर मिल जाते हैं और महिंद्रा को स्टीयरिंग एंड कंफर्ट के लिए एक में से 0.75 ही मिलेंगे। और दोस्तों आपको इन दोनों ट्रैक्टर्स में से कौन से ट्रैक्टर का प्लेटफॉर्म ज्यादा आरामदायक लगता है? चलिए 5510 के गियर बॉक्स को देख लेते हैं। इसमें सिंक्रोमेस टाइप का गियर बॉक्स मिल जाएगा और इसमें 12 फॉरवर्ड प्लस 12 रिवर्स गियर या फिर 20 फॉरवर्ड प्लस 20 रिवर्स या फिर 24 फॉरवर्ड प्लस 24 रिवर्स गियर का ऑप्शन मिल जाता है। आप कोई से भी ले सकते हैं अपने जरूरत के हिसाब से। और इसमें आपको 32 km/h का फॉरवर्ड और 38 km/h का रिवर्स स्पीड मिल जाता है जो कि काफी अच्छी बात है। और इसमें सिंको शटर शिफ्ट लीवर मिल जाता है जो कि काफी स्मूथली वर्क करता है। और सिंक्रोमेस्ड गियर बॉक्स होने की वजह से इस ट्रैक्टर को आप टॉप गियर से लो गियर में बड़े ही आसानी से शिफ्ट कर पाएंगे बिना किसी आवाज के। और यही महिंद्रा के गियर बॉक्स को देखें तो इसमें 15 फॉरवर्ड प्लस 3 रिवर्स गियर और इसका जो फोर व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट है उसमें आपको 15 फॉरवर्ड प्लस 15 रिवर्स गियर मिल जाता है और इसमें भी एक सिंक्रोमेस टाइप का गियर बॉक्स दिया हुआ है और यहाँ से आप इसके टॉप स्पीड को देख सकते हैं। और इसके फोर व्हील ड्राइव वाले वेरिएंट में आपको जितना ही स्पीड आगे के लिए मिलता है उतना ही या फिर उससे थोड़े बहुत अधिक भी आपको रिवर्स के लिए मिल जाएगा। और जो दोनों ही ट्रैक्टर का सिंक्रो शटल शिफ्ट लीवर है इसको आप ट्रैक्टर के चलते हुए कंडीशन में भी आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हैं। यह कुछ इतना स्मूथ है जो कि लोडर डोजर जैसे इम्प्लीमेंट चलाते समय काफी काम में आते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही ट्रैक्टर ने गियर बॉक्स के मामले में काफी अच्छा काम किया हुआ, जिस वजह से इन दोनों ट्रैक्टर को एक में से एक नंबर मिल जाते हैं। और अगर आप 50 HP कैटेगरी के कोई ट्रैक्टर लेने का प्लानिंग कर रहे हैं तो आप इन दोनों ही ट्रैक्टर में से कोई सा भी ट्रैक्टर आंख बंद करके ले सकते हैं, दोनों ही ट्रैक्टर आपको काफी जबरदस्त और भरोसेमंद मिल जाएगा। चलिए दोनों ही ट्रैक्टर के ब्रेक एंड क्लच को देख लेते हैं। दोनों ही ट्रैक्टर में आपको ऑयल इमर्ज डिस्क ब्रेक और डबल क्लच मिल जाएगा जो कि कैटेगरी के हिसाब से टॉप नॉच दिया हुआ है, जिस वजह से दोनों ही ट्रैक्टर्स को यहाँ पर एक में से एक नंबर तो मिलना ही चाहिए। चलिए एक्सेलेंट टायर्स को देख लेते हैं। दोनों ही ट्रैक्टर में आपको फ्रंट और रियर एपिसाइक्लिक टाइप के मिल जाते हैं जो कि फिर से HP कैटेगरी के हिसाब से काफी बेहतरीन दिया हुआ है। और इस प्रकार का जो एक्सल है यह ट्रैक्टर इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट रियर एक्सल माना जाता है और दोनों ही ट्रैक्टर में आपको काफी बड़े साइज के टायर्स मिल जाएंगे। और दोस्तों अगर आपको कोई ऐसा ट्रैक्टर के बारे में याद आ रहा हो जो कि इस HP कैटेगरी का है और उसमें आपको इतने ही बड़े टायर्स देखने को मिलते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में उस ट्रैक्टर का नाम बता सकते हैं। और इन दोनों ही ट्रैक्टर में आपको डिफरेंशियल लॉक भी मिल जाएगा जो कि हर एक ट्रैक्टर में जरूर होना चाहिए। तो यहाँ पर भी दोनों ही ट्रैक्टर ने काफी अच्छा काम किया हुआ है, जिस वजह से दोनों ही ट्रैक्टर को यहाँ पर भी एक में से एक नंबर मिल जाएंगे। और यहाँ से आप दोनों ही ट्रैक्टर के डायमेंशन और वेट को देख सकते हैं।
और इसमें आपको 60 लीटर का डीजल टैंक देखने को मिल जाएगा। और यही न्यू हॉलैंड में 60 लीटर या फिर आप 100 लीटर वाला भी ले सकते हैं। इसमें एक अलग से डीजल टैंक प्लेटफॉर्म के नीचे में फिट किया जाता है। तो डायमेंशन वाइज दोनों ही ट्रैक्टर आपको ठीक ठाक मिल जाएंगे, जिस वजह से दोनों ही ट्रैक्टर को एक में से एक नंबर मिल जाते हैं। और चलिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट वारंटी एंड सर्विस इंटरवल को देख लेते हैं। दोनों ही ट्रैक्टर में आपको 6 साल या 6000 घंटे का वारंटी कंपनी की तरफ से मिल जाएगा। इसके अलावा न्यू हॉलैंड में आपको 300 घंटे का सर्विस इंटरवल मिल जाता है और महिंद्रा में 400 घंटे का सर्विस इंटरवल दिया हुआ है। तो दोनों ही ट्रैक्टर का जो वारंटी है काफी अच्छा है और सर्विस इंटरवल भी बेहतर मिल जाएगा। और यहाँ पर न्यू हॉलैंड को एक में से 0.75 मिलेंगे और महिंद्रा को पूरे एक में से एक नंबर मिल जाते हैं। चलिए दोस्तों, इन दोनों ट्रैक्टर ने 10 में से कितना स्कोर किया इसे देख लेते हैं। और यहाँ पर दोनों ही ट्रैक्टर को 10 में से 9.25 मिलते हैं। और दोस्तों, यहाँ दोनों ही ट्रैक्टर अपने एचपी कैटेगरी हिसाब से इतने अच्छे बनाए गए हैं कि इन दोनों ट्रैक्टर में से किसी एक को विनर घोषित कर पाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो हम आपको यहाँ पूछना चाहेंगे कि आप इन दोनों ही ट्रैक्टर में से फाइनल विनर कौन से ट्रैक्टर को घोषित करना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जिस भी ट्रैक्टर को कमेंट बॉक्स में ज्यादा कमेंट्स मिलेंगे उसको इस कंपैरिजन का असली विनर माना जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के कंपैरिजन वीडियो के लिए इतना ही। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य कंपैरिजन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।